कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में भी इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा से सांसद विवेक तनखा ने भी ट्वीट कर इस्तीफे की पेशकश कर दी है। वहीं इस विषय पर कमलनाथ का भी बयान आ चुका है। हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी से और जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह है। आपको लगता है सर कि युवाओं को नेतृत्व मिलना चाहिए? राहुल गांधी जो अपनी टीम बनाना चाहते थे उसको देखते हुए वो नाराज भी उन्होंने जाहिर। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एकजुटता से अपने विचार को ताकत देनी चाहिए, संगठन को मजबूत करना चाहिए। ग्राम बूथ अंतिम लोकतंत्र का हिस्सा होता है वोटर, उसकी परिकल्पना के साथ फिर से नए विचार के साथ जीना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का विचार नकारात्मक है। कभी कभी एक हमारे मालवा में कहा था, एक हवा, एक आंधी, एक तूफान, एक भूतालिया बोलते हैं उसको, आता है और सट से चला जाता है। तो वो ये परिस्थिति जो बनी, क्योंकि विकास के मुद्दे पे तो कोई चुनाव हुआ नहीं, भावनाओं के मुद्दे पे, लोगों को उद्वेलित करने के मुद्दे पे, घृणा और नफरत फैलाने के मुद्दे पे इलेक्शन हुआ है। कभी कभी दौर आता है, दुनिया में ऐसी घटनाएं घटती है, पर मैं समझता हूँ कांग्रेस एक आंदोलन है, एक विचार है, जीवन शैली है। महात्मा गांधी ने दिया वो मंत्र जो पूरे विश्व ने अपनाया है, और हम आत्मसात करके विपक्ष में रहकर सेवा करने का हमें मादा है, हम कर रहे हैं। आप इंदौर से ताल्लुक रखते हैं, कल इंदौर में एक घटना हुई परसों, बीजेपी के विधायक थे उन्होंने खूब जमकर बल्ला चलाया, किस परिदृश्य में देखते हैं कैबिनेट मंत्री के नाते और एक विधायक के नाते? भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला है, लोकतंत्र में इतनी बड़ी जीत किसी को नहीं मिलती है। कैसा कार्य व्यवहार हो गया उनका? एक केंद्रीय मंत्री उनका बेटा गोलियां चला रहा है, दूसरे एक विधायक उनका बेटा इस तरह की हरकत कर रहा है, वो भी जेल में। प्रभात झा के बेटे का वीडियो वायरल हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है, जिसने सरेआम लोकतंत्र के उस तंत्र को जो व्यवस्थापक होता है, अधिकारियों को डंडे से मार रहा है, उनके पिता अखबार, मीडिया और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को गालियां दे रहे हैं, औकात बता रहे हैं, हैसियत पूछ रहे हैं, और साथ ही साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और सब उनका सहयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि क्या होती है गोडसे की विचारधारा, इसके अलावा नफरत, घृणा, बंटवारा, इस भाव को जिसमें लोकतंत्र अच्छे समाज की परिकल्पना नहीं होती है, तो ये सब देश देख रहा है, सबक सिखाएगा। आप जो लगातार जो प्रदेश में आप जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े थे कि भ्रष्टाचार जो किया है पिछली सरकार ने उसको उजागर करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला पिछले 6 महीने में, क्या किस तरह की जांच चल रही है? प्रक्रिया में जांच चालू है, बाकी चीजों के तथ्य जुटाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक भ्रष्टाचार, वो चाहे पौधारोपण का हो, चाहे सीएस का हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे ई टेंडर का हो, चाहे अन्य हो, जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे लोग, चिंता न करें। तो ये थे जीतू पटवारी। जीतू पटवारी ये कहता है कि वो राहुल गांधी के अंधभक्त और रहेंगे, और पूरा पार्टी संगठन है उनके पीछे हमेशा ही चलता रहेगा। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।